इसका फेडरल गवर्नमेंट, इसका रेप्लिका फेडरल गवर्नमेंट भी बनाएगी नेशनल लेवल पे। तो हमारे लिए आप लोगों ने बहुत आसानी पैदा की है कि एक बहुत ज़बरदस्त ऐप बनाया है जिसको हम आसानी से इसकी रेप्लिका बना के एक नेशनल लेवल पे और फिर बाकी सूबों को दिखाएंगे कि KPKA ने बनाया है, अब आपकी बारी है कि आप भी जल्दी बनाएं। तो हमारे लिए जैसे कि बाकी चीज़ों में KPKA ने बड़ी लीड ली है, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज इसमें भी और स्पेशली टूरिज्म में एक KPKA ने इसमें भी लीड ली है। ये एक ऐसा टास्क था जो 2 साल पहले भी शुरू हुआ था, उस वक्त आज़म खान साहब भी टूरिज्म सेक्रेटरी भी थे, उनने भी ये सारा एक टूरिज्म का जो खान साहब के जो विजन थी वो शुरू किया और आज आतिफ खान साहब उसको एक नए लेवल पे लेके जाके इंशाल्लाह उसको अगले 4 साल में जो आतिफ खान साहब आपको बता रहे थे कि जो टूरिज्म जो इंडस्ट्री है ये पाकिस्तान की एक 5th इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हो सकती है, जो आप हमें जो अभी समझ नहीं आ रही। दुनिया की जो GDP है टूरिज्म की वो 3%, वो 10% पे है, पाकिस्तान की 3% से कम है। अगर पाकिस्तान अगर 9% भी अपनी टूरिज्म की पर GDP ले जाए तो उसका मतलब है कि पाकिस्तान को $20 बिलियन साल के मिलते हैं। अगर हम समझें, अगर मैं आपको पर्सपेक्टिव दे दूं कि $20 बिलियन कितने हैं, $20 बिलियन साल के उतने हैं कि जो आज हम बाकी मुल्कों में मदद मांगते हैं, जो हम IMF से जो मदद मांगते हैं, जो हम और इदारों से, मुल्कों से, दोस्तों से मदद मांगते हैं, ये उसका तकरीबन डबल है। और ये हम सारा जो खान साहब आज हर जगह कोशिश कर रहे हैं, ये हम सारे पैसे टूरिज्म से कमा सकते हैं अगर हम टूरिज्म को सही तरीके से इस्तेमाल भी करें और उसको सही तरीके से फ्लरिश करने का मौका भी दें। मैं फिर से आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं बस ये बताऊँगा कि जो फेडरल में जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि KPKA ने इस चीज़ में लीड ली, हम चाह रहे हैं कि पंजाब को भी हम इसकी सिनर्जी में लेके आएँ, सिंध को भी लेके आएँ, बलूचिस्तान को भी लेके आएँ, GB, कश्मीर, इन सारे इलाकों को हम एक पेज पे लेके आएँ कि हम पाकिस्तान को प्रमोट करें। हमारा एंड गोल जो ये है कि जब हम बाहर मुल्कों में जब हम रिलीजियस टूरिज्म प्रमोट करें तो हम पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस को एक्सप्लेन कर सकें एक पाकिस्तान के बैनर के नीचे, जो मैं आपको आज बता दूं कि इंशाल्लाह अगले 3 महीने में बहुत जल्दी आपको नज़र आएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान के टूरिज्म की ब्रांडिंग का लॉन्च जो खुद करेंगे आपको अगले 2 से 3 महीनों में नज़र आएगा। तो ये इसकी बहुत ज़बरदस्त शुरुआत है और बहुत अहम हिस्सा है। तो मैं फिर से आतिफ खान साहब को, सेक्रेटरी साहब को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आपका सबका आने का, खासतौर मीडिया का कवरेज का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।